41 या फेडी की जो ऑफलाइन भर्ती आई हुई थी पूरे भारत के लिए, जिसमें टोटल 458 पोस्ट था, जिसका एडमिट कार्ड आना भी शुरू हो गया था। बहुत सारे भाइयों का एडमिट कार्ड आ गया था और बहुत सारे भाई फ्लाइट भी बुक करा लिए थे। तो देखो यार भाई, ये भर्ती कैंसिल हो गई है, इसको लेकर इतना ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन है ना, सभी लोग बस इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। और पता है 100 में से 50 लोग ऐसे बोले हैं, भाई ये जो नोटिफिकेशन दिख रहा है यही नोटिफिकेशन है, तो बोले हैं भाई भर्ती कैंसिल नहीं हुई है, ये नोटिफिकेशन फर्जी है, किस वेबसाइट पर है, कहाँ है, हमको दिखाओ, साबूत मांग रहे हैं। और मतलब 50 लोग पता है क्या बोले हैं, भाई मैं क्या करूँ, मेरा तो जैसे टिकट कटा लिया था तो सारा नुकसान चला जाएगा। तो ऐसे करके कमेंट आ रहा है। और देखो यार भाई, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, क्योंकि ले जाना कोई मतलब आसान नहीं है, ठीक है ना, पैसा चाहिए उसके लिए, और पूरा ज़िंदगी का सवाल है। और देखो अभी मेरा एडमिट कार्ड आया है, अगर भर्ती कैंसिल हो गई है तो ये एडमिट कार्ड जो आ रहा है बहुत सारे भाइयों का आ रहा है, सिर्फ मेरा नहीं आया है, अभी बहुत लोगों का एडमिट कार्ड आ रहा है। तो मतलब भर्ती कैंसिल करा दिया गया है तब क्यों एडमिट कार्ड आ रहा है, और इस पर मतलब जो डेट दिया है उसका क्या होगा, ये सब डाउट मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। जितना मुझे पता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहला बात मैं बता दे रहा हूँ भाई, देखो आप कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, ये भर्ती पूरे भारत के लिए थी, ऐसा ना ये किसी एक यारों की भर्ती है या एक राज्य की भर्ती है। जो नोटिफिकेशन कोई निकलेगा तो पता नहीं चल पाएगा, ये जो नोटिफिकेशन निकला है ना यार, देखो ये सही नोटिफिकेशन है। अब मान लो जो भाई कमेंट ऐसा कर रहा है कि ये भर्ती कैंसिल जैसे नहीं हुई है, कोई साबूत दिखाओ, तो भाई आप ही साबूत दिखाओ, कैंसिल नहीं हुई है कोई आप ही साबूत दिखा दो। अभी एक मेरा दोस्त है वहाँ जम्मू कश्मीर में रहता है, लेह में नहीं रहता है, जहाँ भर्ती कराई जाती है वहाँ नहीं रहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में रहता है। उससे 3-4 दिन पहले बात हुआ था, तो मैं बोला था यार पता करो 41 या फेडी की भर्ती कैसे होगी, मतलब वहाँ का सिचुएशन पता करो, तो बोला था अभी कोई कन्फर्म नहीं है यार। और तब से उससे बात नहीं हुआ, तब से ये न्यूज़पेपर मतलब जो है यही वायरल हो गया, वहाँ जाने पर जैसे गेट पर ही इसको चपका दिया गया है। तो मिला जुला कर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, जितने भी भाई आप लोग कन्फ्यूजन में हो ना यार, बोल रहे हो भर्ती मतलब प्रूफ दिखाओ ये फेक है या जैसे सही है, भाई देखो अगर विश्वास करते हो तो मान जाना ये भर्ती कैंसिल हो गई है। क्योंकि मैं अभी वीडियो देखा हूँ, एक भाई है सौरभ नाम से, मतलब उसका यूट्यूब चैनल है, तो मैं देखा हूँ वहाँ से जैसे वो भी मंगाया है, कुछ भाई गए थे ले में गए थे फिजिकल देने, तो वहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजे हैं सब। तो इससे पूरा साफ साफ क्लियर पता चलता है कि भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है। और ये जो डाउट है कि एडमिट कार्ड क्यों, अगर मान लो फोटो तो इमेज जैसे जो है उसको तो एडिटिंग किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, कोई भी बना देगा थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा तो, लेकिन ये बताओ वीडियो तो नहीं ना बनाया जा सकता है। साफ साफ वीडियो में दिख रहा है कि वहाँ मतलब बोर्ड पर चपका हुआ है भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है। और यार शौक नहीं लगा है, जैसे हम लोग भी तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत अमीर फैमिली के हैं, हम लोग भर्ती देखने नहीं जाएंगे। देखो अभी हमारा एडमिट कार्ड भी आया, लेकिन हमारे पास पैसे की वजह से अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इधर देखो ये कॉलिंग लेटर है, ठीक है ना, और पैसे की वजह से मैं टिकट नहीं कटा पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं है। ये देखो अभी 29 अक्टूबर को हमारा डेट है, 29 अक्टूबर को इसमें मतलब दिया गया है वहाँ रिपोर्टिंग करना है, लेकिन मेन बात पता है पैसा है, तो हमारे पास अभी उतना पैसा नहीं है, 12-15 हज़ार रुपया लगेगा, तो उतना पैसा नहीं है कि मैं वहाँ ले में जा पाऊँ। बाकी मैं आप लोगों से एक बात बता रहा हूँ, देखो आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना, भाई जिसको विश्वास नहीं हो रहा है आप लोग जा सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है कि वहाँ की भर्ती कैंसिल नहीं हुई है, तो आप लोग जाकर देख लेना यार, अगर आपके पास पैसा है तो आप फ्लाइट जा सकते हो। और जिन भाइयों का फ्लाइट हो चुका है टेंशन नहीं लो यार, उसको कैंसिल करा देना, ठीक है ना। नहीं तो एक भाई कोई भी हो, देखो जो तैयारी करता है, पहला नंबर तो जो VIP रहेगा वो वहाँ जाएगा ही नहीं, बोलेगा यार मैं वैसा भर्ती देखूंगा ही नहीं, मतलब ऐसा बोलेगा यार, क्योंकि वो लोग थोड़ा पैसे वाले होते हैं तो मतलब इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, हम लोग जैसे पूर फैमिली के ही रहते हैं सब। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना भाई, देखो अब मान लो हम लोगों के ऊपर नहीं है, ये सब तो सरकार के ऊपर है, जो सरकार कर रही है वो तो गलत हो ही रहा है, लेकिन वहाँ का सिचुएशन पता नहीं कुछ भी हो, लेकिन भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है। तो आप लोगों की मर्जी, अगर आप लोगों को नहीं विश्वास है फिर आप लोग जाकर देख लेना, जितना मुझे पता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और जितने भी भाई जुड़े हो, 28,000 लोग जुड़े हो ना, तो ऐसे मान लो नहीं जुड़ेंगे भाई, ठीक है ना, कुछ जानते होंगे, कुछ देखे होंगे, तभी जुड़े होंगे। और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ भाई, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन निकल रहा है ना, तो टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो, क्योंकि देखो आपको मतलब मान लो आप एक गांव से अकेले हो, आप कहीं जा रहे हो, अगर हमें बता दे रहे हो तो 28,000 लोगों का भला हो जाएगा, और इससे पता चलेगा कि हम लोग जितने भी, मैं भी तैयारी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ, लेकिन बोलने वाले बहुत बोलते हैं, मैं जानता हूँ, ये बात जानता हूँ कि उनके पास उतना नॉलेज, उतना मतलब काबिलियत नहीं है बोलने का या मतलब बताने का, तो इसलिए वो लोग नहीं कुछ कर पाते हैं, तो दूसरे में कमियाँ निकालते हैं,
बोलते हैं तू सिर्फ वीडियो बनाता रह जाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू उन लोगों का बात लेकर मैं बंद कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात और बता दे रहा हूँ भाई, आप लोग देखो आप लोगों का दर्द समझ रहा हूँ यार, वहाँ जाने में मतलब पैसा लगेगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना। जो 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 भाई फ्लाइट का टिकट बुक कराए थे उसको आप लोग कैंसिल करा देना, ठीक है ना। ये देखो सरकार के ऊपर है, हम लोगों के ऊपर नहीं। और ये जो एडमिट कार्ड है, कॉलिंग लेटर है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो कॉलिंग लेटर है इसका दोबारा क्या होगा। ये तो भेज दिया गया है, जो हमारा लिफाफा था उसको भेज दिया गया है और कॉलिंग लेटर भी भेज दिया गया है। तो फिर दोबारा जब डेट आएगा तो कैसे हम लोगों को पता चलेगा? तो पता है भाई कैसे पता चलेगा, इसका कोई सिस्टम निकालेगा जरूर। ऐसा नहीं है, देखो भर्ती को वैसे तो बहुत लोग ऐसे भी कंफ्यूजन है, पोस्टपोन किया गया है या कैंसिल किया गया है, तो उसमें तो साफ लिखा था कैंसिल किया गया है, लेकिन मतलब ये भी लिखा था कि नए डेट पर जारी किया जाएगा। अब जब भी दो तीन महीना बाद हमें लगता है 2021 या 22 में, ऐसा नहीं है ये आ गया है जैसे, तो आप लोगों का मतलब जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा आप लोगों के लिए नहीं बुलाया जाएगा, बुलाया जाएगा हो सकता है ऑनलाइन, मतलब कुछ सिस्टम किया जाए, या ये जितना भी डाटा है वहाँ पर सब डाटा सेव होगा, तो उसके माध्यम से किसी भी माध्यम से बताएंगे सब, लेकिन बताएंगे सब जरूर, ठीक है ना। तो आप लोग किसी भी बात को लेकर कन्फ्यूजन में नहीं होना कि भाई भर्ती कैंसिल हो गया, पता नहीं दोबारा एडमिट कार्ड कैसे आएगा। एडमिट कार्ड तो हमारा ऑलरेडी पहले से ही आ गया है, और नया डेट कब तक आएगा, तो आप लोग जितने भी भाई जुड़े हो मतलब पता तो चल ही जाएगा यार, ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। और बाकी अभी मतलब आप लोगों को अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो भाई आप लोग जाकर देख सकते हो लेह में, क्योंकि मैं जो भाई मतलब जिन लोगों को विश्वास है वो लोग नहीं जाएंगे, जिन लोगों को नहीं विश्वास है वो लोग जाकर देख सकते हैं। और देखो अभी हमारा भी एडमिट कार्ड आया है, 29 तारीख को है, मैं कोई फ्लाइट व्लाइट बुक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब से वीडियो देखा हूँ मुझे पूरा विश्वास हो गया है। मैं ये सोचा हूँ ये एडिटिंग हो सकता है लेकिन वीडियो एडिटिंग नहीं हो सकता है, तो इसलिए भाई बात मानो, अगर जहाँ तक हो सके नहीं जाओ, ठीक है ना। अगर